आप देख रहे हैं द फिल्म न्यूज यूट्यूब चैनल। मौजूदा समय में शो के कंटेस्टेंट्स में जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है उनमें से एक है प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। प्रतीक सहजपाल जहां एक तरफ अपने एटीट्यूड को लेकर भी सुर्खियों में रहे, वहीं पवित्रा पूनिया संग अपनी एक्स रिलेशनशिप को लेकर भी वे इस समय चर्चा में चल रहे हैं। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने इस बारे में बातचीत की थी। प्रतीक ने बताया था कि ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि कभी वे और पवित्रा रिलेशनशिप में थे। अब दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और खुश भी हैं। दोनों में किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है। उन्होंने बताया कि ना तो पवित्रा ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, ना मैंने पवित्रा को। प्रतीक सहजपाल ने पवित्रा के मौजूदा बॉयफ्रेंड एजाज खान के बारे में भी बातचीत की है। उन्होंने कहा, मैं पवित्रा का हाथ पकड़कर उन्हें शादी के मंडप में लेकर जाऊंगा और एजाज भाई से कहूंगा कि वे पवित्रा से शादी कर ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की आत्मा एक है और दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब तो प्रतीक ने ये भी मान लिया है कि पवित्रा और एजाज की बॉन्डिंग काफी शानदार है। वैसे दोनों के शादी की अफवाहें भी सामने आती है। बिग बॉस 14 में एजाज खान और पवित्रा के बीच पहले तो किसी बात को लेकर बहस हुई थी, मगर इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया दोनों अलग ही बॉन्डिंग शेयर करने लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की खबरों के लिए देखते रहिए द फिल्मी न्यूज़।